के मद्देनजर सभी मीडिया के संस्थान इस वक्त इस मुश्किल हालात के वक्त भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हुए सारी जानकारी देश के कोने कोने से सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में जुटे हुए हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थानों को? जी देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है ममता, और हमको पता है कि पिछले दो महीने से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिस तरह से लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से खुद इस बड़ी चुनौती से पार पाने की निगरानी कर रहे हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस संजीदा तरीके से, किस गंभीरता से आज उनकी ये जो बातचीत है मीडिया कर्मियों से हो रही है। और इसकी शुरुआत हुई थी तब उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्रियों से बात की थी, दवा विक्रेताओं, दवा निर्माताओं से उन्होंने संवाद किया था, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो अलग अलग सेक्टर्स है उनसे वो लगातार संवाद कर रहे हैं कि ताकि एकजुट होकर, एक साथ मिलकर किस तरह से इस बड़ी परिस्थिति का मुकाबला हम सब कर सके, इस चुनौती से पार पा सके, उसकी बात कर रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण है, आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की। इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव की तरफ से, डीजी आईसीएमआर की तरफ से प्रेजेंटेशन भी दिया गया, जानकारी भी दी भी गई कि किस तरह की पूरी स्थिति बनी हुई है, अभी आगे आने वाले दौर में किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं और उससे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं। खास तौर से अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने एक जो सकारात्मक मीडिया की भूमिका रही है इस पूरे मसले को लेकर, ना सिर्फ इन्फॉर्म करने में लोगों को बल्कि एजुकेट करने में, जागरूकता फैलाने में, जो एक सजग प्रहरी की तरह मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री ने उसकी न सिर्फ सराहना की है बल्कि साथ ही साथ एक तरह से एक बड़ी लड़ाई, क्योंकि हमने देखा कल भी प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़ी चुनौती है, एक बड़ी लड़ाई के लिए हम सब साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए मीडिया का एक आह्वान किया है। और उन्होंने साथ ही साथ मीडिया कर्मियों, एक तरह से जो फोर फ्रंट पर रह के, चाहे प्रभावित क्षेत्रों में जाने की बात हो, प्रभावित लोगों से मिलने की बात हो, डॉक्टर्स जो तमाम इवैक्यूएशन में लगे हुए लोग, इन लोगों के संपर्क में जाते हैं, अपनी भी जान को जोखिम में डाल के भी जो काम कर रहे हैं, उन तमाम बातों की सराहना की। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितने संजीदा हुए बातचीत के दौरान, कई बार रुके भी, क्योंकि उनको पता है कि बेहद ही गंभीर परिस्थिति से पूरी दुनिया जूझ रही है, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, उन चीजों को अमल में लाया जाए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग काफी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ ही पर्सनल हाइजीन की बात है, उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ जो टेस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल्स किस तरह के बने हुए हैं, वो तमाम चीजें, उसको कैसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और साथ ही जी सुधाकर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो भी प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें एक और इन सभी मीडिया संस्थानों को खुद भी लागू करना होता है, लेकिन साथ ही एहतियाती कदम उठाते हुए खबरों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाना कि कोई खबर ना छूटे, इस मामले में भी अहम रोल अदा करना होता है। तो कह सकते हैं मीडिया के आगे दोहरी चुनौती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बातचीत की है, हौसला अफजाई है ये मीडिया के लिए भी। जी बिल्कुल, बहुत हौसला, बड़ी हौसला अफजाई है। और प्रधानमंत्री सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि जो ये हौसला अभी तक जो फोर फ्रंट पे तमाम सोल्जर्स लड़ रहे हैं और मीडिया जिसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, इस जो हौसला बना के रखा है, इस हौसले को अभी आने वाले समय में बना के रखना है, कायम रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की बात, ये बेहद अहम संदेश है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम एक क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए हैं ममता, क्रिटिकल स्टेज इसलिए कि हमने अब तक इसको कंटेन करके रखा है, तो अब बड़ी चुनौती है कि इसका और ज्यादा प्रसार ना हो, जो लोकल ट्रांसमिशन हुआ है चाहे विदेशों से आने वाले व्यक्तियों में या फिर उनको कॉन्टैक्ट में, वो वहीं तक सिमट कर रह जाए। और उसके लिए जो ये तमाम प्रावधान राज्य सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, उनको एक तरह से पालन करना बहुत जरूरी है। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से
कहा जा रहा है, उसमें मीडिया की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका और सुधाकर हम जानते हैं कि जी लॉकडाउन के मद्देनजर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को ट्वीट के जरिए सबके सामने रखा है कि इसका पालन किया जाना जरूरी है। राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि वो इस बात को देखें कि जो नियम है लॉकडाउन के उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। अभी तक हम देख रहे थे कि मीडिया में सभी मंचों पर सभी माध्यमों के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात थी, लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब मीडिया की जिम्मेदारी इन मायनों में और बढ़ गई है कि लॉकडाउन का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि लोग लॉकडाउन के नियमों को समझें और अपने घरों में रहें। जी बिल्कुल, दो चीजें अहम है ममता। पहली बात तो ये कि चिंता करने की जरूरत है, चिंता करनी चाहिए सबको। इस बात पर प्रधानमंत्री का बहुत ही ज्यादा जोर है, उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भय ना फैले इस बात को लेकर। इसको इसमें भी मीडिया की एक बड़ी भूमिका हो सकती है कि जरूर चिंता करें, जो तमाम निर्देश हैं उनका पालन करें, वो सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उस गाइडलाइन को देखें, समझे लोग, उसको फॉलो करें, लेकिन साथ ही साथ भय ना फैले। भय ना फैले इसका मतलब है कि जो पैनिक बाइंग रही है उस तरह की चीजें ना हो, या फिर किसको टेस्टिंग की जरूरत है इसके लिए एक व्यापक गाइडलाइंस की जरूरत है। तो वो इन तमाम चीजों को लेकर मीडिया बड़े स्तर पर लगातार एजुकेट कर भी रहा है और आने वाले समय में भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों की तरफ प्रधानमंत्री ने मीडिया कर्मियों का ध्यान दिलाया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आज प्रतिनिधियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, जो सरकार किसी तरह से कोई संदेश देती है तो उसको और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों के बीच पहुंचाने का माध्यम आप बनते हैं और प्रभावी तरीके से वो काम आप लगातार कर रहे हैं, उस काम को और भी आगे अंजाम देना। और एक तरह से प्रधानमंत्री ने स्टेक होल्डर, महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर करार दिया तमाम मीडिया कर्मियों को, और इस बड़ी लड़ाई में मीडिया कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार ऐसे तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से है इस वक्त, और ये काफी अहम है ममता। और सुधाकर, ऐसे वक्त में जबकि लगातार ये बात कही जाती रही है कि फेक न्यूज को, अफवाहों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो गलत खबरों पर यानी फेक न्यूज पर नियंत्रण करें, तो ऐसे में भी कह सकते हैं या मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये मुद्दा भी जरूर उठाया होगा कि तथ्यों को सही तरीके से और प्रभावी तरीके से मीडिया ही है जो लोगों तक पहुंचा सकता है, उनके सामने रख सकता है। अच्छा बिल्कुल, और देखिए जो प्रधानमंत्री का संदेश था जनता के नाम, जो उन्होंने संदेश दिया, अब वो मीडिया के जरिए पूरे देश में हर एक देशवासी तक पहुंचा, और हमने देखा कि किस तरह से जनता कर्फ्यू के दौरान तमाम लोगों ने एक तरह का रिस्ट्रेन, एक तरह का संयम दिखाया। जरूर कुछ बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई कि कुछ लोग इसको थोड़ा सा अभी भी लाइटली ले रहे थे, तो उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जितनी गंभीरता है स्थिति की, उस गंभीरता को लोगों को समझना चाहिए, उसका उस लिहाज से जो तमाम सरकारों की गाइडलाइंस है उसका पालन करना चाहिए ये बात। और इसमें एक मीडिया की बड़ी और गहरी और महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए खासतौर से, क्योंकि इस तरह की स्थिति कई बार जाने अनजाने में भी कोई कई लोग शरारतपूर्ण कार्रवाई करते हैं और इस तरह की तमाम चीजें जो अनवेरिफाइड चीज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है जो उसको वेरीफाई, जो वेरीफाइड चीजें हैं उसको सामने ला सके, या जो फेक न्यूज है या गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी जनता को जागरूक करे कि इन चीजों के बहकावे में ना आए, प्रशासन के भी ध्यान में लाए किस तरह की तमाम चीजें आती है, तो वो काफी महत्वपूर्ण एक संदेश है। तो एक बड़ी भूमिका मीडिया की समाज के लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के तौर पर तमाम चीजों पर नजर रखना, और एक तरह से एक प्रधानमंत्री ने बड़ी मदद कह सकते हैं इस तौर पर मीडिया से मांगी है इस बड़ी लड़ाई में, जो अब तक उनकी भूमिका रही है उसकी सराहना करते हुए कि और आप और भी एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहिए और सरकार के साथ मिलकर, साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बड़ी चुनौती से देशवासियों को निकालने के लिए काम करिए। ये प्रधानमंत्री का संदेश है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की सराहना की है जो दिन रात इस कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे सुरक्षा बल जो स्थिति को बहाल यानी कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में जुटे हुए हैं, तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मीडिया की भी सराहना की है, क्योंकि एक तरीका मीडिया के जरिए होता है जब आम लोगों तक पहुंचा जा सकता है और सही तस्वीर और सही तथ्य लोगों के सामने रखे जा सकते हैं। ऐसे में सुधाकर एक चुनौती कह सकते हैं कि मीडिया के सामने ये भी है कि आज के इस दौर में जब कोरोना के संक्रमण की एक स्थिति हमारे सामने बनी हुई है, तो इस मुश्किल में मीडिया को भी स्मार्ट मीडिया बनना होगा, डिजिटल मीडिया बनना होगा अन्य माध्यमों के जरिए, क्योंकि खबर लोगों तक पहुंचे ये बहुत जरूरी है, इसको नहीं रोका जा सकता, और सही खबर सही तरीके से पहुंचे इसके लिए भी माध्यम तलाश करने होंगे। जब बिल्कुल बिल्कुल ममता, और खासतौर से देखिए आज जब लॉकडाउन की स्थिति एक तरह से 2000 करीब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, कुछ जगहों पर ऐसी सूचनाएं भी आई कि लोगों ने इसको ठीक से पालन नहीं किया, ये मीडिया के जरिए तमाम लोगों के ध्यान में आया, वो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद राज्यों को कहा भी गया है कि सख्ती से इसको पालन कराएं, और ये लोगों पर अगर जो सख्ती है थोड़ी बहुत, ऐसे लोगों पर जो निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जरूरी है, जरूरी उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, तो उसको तो ये एक बड़ी तस्वीर मीडिया भी सामने लेकर आती है, इस बड़ी चुनौती में क्या दिक्कतें हैं उसको सामने लेकर आना, फिर उसके लिए एक सॉल्यूशन सरकार के साथ मिलकर ढूंढना, तो ये तमाम चीजें हैं, और तमाम चीजों को लेकर एक फीडबैक, एक अपडेट सोसाइटी को देना, सरकार को देना, ये मीडिया का एक अहम काम है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर देख रहे हैं, इन्फॉर्म करने का, एजुकेट करने का, जागरूक करने का, निश्चित तौर पर लोगों को ये कहने का, जरूर आप चिंतित होइए, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, सफाई रखने की जरूरत है, तो ये तमाम चीजें मीडिया इसको प्रधानमंत्री के संदेश को, देश के संदेश को, साइंटिस्टों के संदेश को, स्वास्थ्य कर्मियों के संदेश को, पूरे देश के बीच हर एक देशवासी के सामने लेकर प्रभावी तरीके से जा सकता है, और जिसकी बात लोग सुनते समझते भी हैं, मानते भी हैं, इस लिहाज से एक बड़ी भूमिका की चर्चा प्रधानमंत्री ने आज की है, और जो एक सोल्जर की तरह मीडियाकर्मी काम कर रहे हैं उसकी भी सराहना की है। बिल्कुल, और सुधाकर हमने देखा कि जब जनता कर्फ्यू लगा तो सब लोगों ने किस तरीके से गंभीरता से जनता कर्फ्यू को देखा, लिया और पूरा योगदान दिया कि जनता कर्फ्यू सफल हो। ऐसे में अब जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की स्थिति है, और लॉकडाउन की स्थिति जहां जहां भी है और जहां भी ये बात कही गई है कि लोग घरों में ही रहें ताकि संक्रमण ना फैले, इसके मद्देनजर सही नैरेटिव लोगों के सामने प्रस्तुत करना, सही बात को सफाई से सामने रखना कि आम व्यक्ति को वो बात समझ भी आ जाए, ये नैरेटिव बनाना भी मीडिया इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम है, प्रधानमंत्री जी खुद ये काम कर रहे हैं कि लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराना, जो वास्तविक क्या परिस्थिति है, क्या बड़ी चिंता है, क्या बड़ी चुनौती है, उससे रूबरू कराना, और वो लगातार जो अपने तमाम माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया के जरिए हो, राष्ट्र के संदेश के जरिए हो, मुख्यमंत्रियों से संवाद के जरिए हो, अलग अलग सेक्टर से वो जो बातचीत कर रहे हैं उसके जरिए हो, तो वो एक वास्तविक स्थिति पूरे देश के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और यही भूमिका मीडिया की भी है कि एक जो वास्तविक स्थिति, एक भुलावे में ना रखना, कोई बड़ा सपना ना दिखाना, लेकिन एक जो बड़ी चिंता है उसको सबके सामने रखना, वो एक कोशिश, तो उसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर सरकार के लिए, राज्यों के लिए, केंद्र के लिए मीडिया हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर चिंता की बात है तो उस चिंता को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं वो कौन से कदम उठाए, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाना, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए जनता के लिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, ट्रैवलिंग को लेकर हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, हाइजीन को लेकर हो, तो इन तमाम चीजों के बारे में पूरी जनता को जानकारी देना, उसके साथ साथ ही जो सरकार जो तमाम निर्णय ले रही है, फैसले ले रही है, कदम उठा रही है, जो लॉकडाउन के जो तमाम अनाउंसमेंट्स हैं उसको जनता तक पहुंचाना, जनता को ये सही तरीके से बताना कि इस लॉकडाउन के फैसले में सिर्फ अगर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ा गया है तो सिर्फ ऐसे ही लोग घरों से बाहर निकले, तो ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं इसमें एक बड़ी भूमिका मीडिया
की है। मीडिया इस भूमिका को अंजाम भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब चूंकि लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना है, बड़ी लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। उस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि अब इस बड़ी लड़ाई को एक जो अहम मुकाम पर पहुंचा है उसको साथ मिलकर इस इससे पार पाना है, तो उसमें एक बड़ी भूमिका आप लोगों की है, और उसमें किस तरह का रोल आप लोग प्ले कर सकते हैं प्रधानमंत्री उनसे भी सुनना चाहते हैं और अपने दिल की बात भी उनसे कर रहे हैं। जी ममता जी, सुधाकर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से मीडिया संस्थान हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, इसमें ये भी देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय संस्थान भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि विभिन्न राज्यों में भी जो क्षेत्रीय मीडिया संस्थान हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि साक्षी टीवी जैसे कुछ ऐसे भी हैं जो विभिन्न राज्यों में यहाँ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और उनका भी रोल इन मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं, जो क्षेत्रीय संस्थान है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री का संवाद हो रहा है, और बड़े सेक्टर को एक जो ज्यादा लोगों से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो अपना संदेश है, उनकी जो अपनी एक इच्छा है, और वो लगातार हमने सूत्रों ने हमें जानकारी भी दी है कि इस बातचीत के दौरान वो लगातार संजीदा भी हुए और काफी एक तरह से कह सकते हैं पूरी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा भावुक है, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत बड़े कदम इसलिए उन्होंने उठाए हैं, और अपने नेतृत्व में पूरे देश को एक सुरक्षित बनाने के लिए, देश को एक हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने तमाम ये जो कार्रवाई की है, तो इसमें काफी महत्वपूर्ण एक तरह से रीजनल मीडिया की भी भूमिका रहेगी, चाहे एशिया नेट हो, टीवी 9 हो इस तरह की, या फिर न्यूज 18 जैसे संस्थान है, जो एबीपी है, ये तमाम संस्थान जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपनी कार्यक्रम दिखाते हैं, उनके अलग अलग चैनल हैं, तो ये ज्यादा दर्शकों तक, ज्यादा बड़े वर्ग तक, ज्यादा बड़े क्षेत्र तक एक प्रभावी मैसेज वो पहुंचाते हैं। तो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो बातें, सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदम, एक तरह का लोगों को ये एश्योरेंस भी देना कि अगर आप ये तमाम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हैं, इस ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसमें एक सहयोगी बनते हैं, सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो इस बड़ी लड़ाई पर हम काबू पा सकते हैं, ये भरोसा भी लोगों को दिलाना अगर मीडिया के लोग करते हैं, मीडिया कर्मी करते हैं, तो इस बड़ी लड़ाई में एक कह सकते हैं अहम मुकाम वो होगा। तो इस लिहाज से इस बैठक को, प्रधानमंत्री के इस संवाद को काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ममता सुधाकर, एक और बात महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसा हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना की खबर आनी शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार स्थिति पर निगरानी रखते रहे, लगातार बैठकें हुई, GOM बनाया गया जिनकी 7 बैठकें 8 बैठकें हुई हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब स्थिति और थोड़ी और ज्यादा आंकड़ा बढ़ने लगा है कोरोना का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए, जनता से मुखातिब हुए, यही नहीं बल्कि मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, तो वहीं पर सचिव स्तर पर भी कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार राज्यों के सचिवों से, विभिन्न विभागों के जो जिनका इंपॉर्टेंट रोल है कोरोना के संक्रमण को रोकने में, उनके साथ लगातार बातचीत करते रहे हैं, और अब मीडिया के साथ प्रधानमंत्री का बातचीत करना यह दिखाता है कि सभी पक्षधर, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावी तरीके से सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे अगर तंत्र की बात करें, हम तो लगातार जानते हैं, मीडिया कर्मी के तौर पर हम इसको कवर कर रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से, ममता, और हमको पता है कि प्रधानमंत्री किस तरह पर्सनली पूरी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद अपनी तरफ से निर्देश दे रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से, लेकिन इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, मंत्रियों का समूह जो रोजाना बैठक करके निगरानी कर रहा है पूरी स्थिति की, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको चेयर करते हैं, वो लगातार निगरानी कर रहा है, राज्यों के संपर्क में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और अन्य माध्यमों से रोज राज्यों से दिन में 2 से 3 बार बातचीत होती है, और तमाम कदम, क्योंकि सिर्फ गाइडलाइंस जारी करने से, एडवाइजरी जारी करने से नहीं होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, संसाधन मुहैया कराने की बात हो, उन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है, और हमने देखा कि लगातार बड़े कदम उठाए गए, बड़े फैसले लिए गए, चाहे जहाजों की आवाजाही रोकने की बात हो, लॉकडाउन की बात हो, ट्रेन को लेकर जो फैसले लिए गए, तो ये तमाम जो फैसले काफी महत्वपूर्ण है, और ये एक तरह से रीअश्योरेंस देश के लिए रहता है कि बहुत ज्यादा सजगता से पूरी सरकार काम कर रही है, ऐसे में हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस बड़ी लड़ाई में, इस बड़ी चुनौती से पार पाने में
सरकार का हाथ बटा है, वो हाथ कैसे बटा सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बटा सकते हैं, जो जरूरी निर्देश है उनका पालन करते हुए सरकार का हाथ बटा सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण एक संदेश है और इस संदेश को आगे ले जाने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, रहेगी। और मीडिया को, क्योंकि हम जानते हैं कि